कार्टून एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। हर किसी को अपना बचपन याद आ जाता है। मैंने तो अपने बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, बेन 10 एंड और भी बहुत सारे। कोई एक्शन वाले होते थे तो कोई कॉमेडी। वैसे कार्टून देखने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन सोचो अगर वो एक्शन या फिर कॉमेडी खुद करने को मिल जाए किसी गेम में तो बात ही अलग होगी। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे कार्टून गेम्स बताऊंगा जो बहुत ही बढ़िया है एंड टॉप स्पॉट डिजर्व करते हैं। आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या पता हम उससे गेम्स पर एक सेपरेट वीडियो ले आए। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, और साथ ही साथ गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि यहाँ पर आपको मिलता रहेगा ऐसी हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। कासल ऑफ इल्यूजन स्टारिंग मिकी माउस एक प्लेटफॉर्म गेम है जिसको सेगा ने डेवलप किया है। इस गेम में हमें मिनी माउस को इविल विच मिज़राबेल से बचाना होता है कि वो विच मिनी माउस की यूथ और ब्यूटी लेना चाहती है, लेकिन हमें विच को हराने के लिए 7 जेम्स ऑफ रेनबो को ढूंढना पड़ता है जो कि अलग अलग लेवल्स में मिलते हैं और विच के गार्ड्स की प्रोटेक्शन में होते हैं। इन गार्ड्स को मारने के लिए हमें उनके ऊपर जंप करना होता है। गेम काफी अच्छा है और आप इसे पीसी और कंसोल्स पर खेल सकते हो। द सिम्पसन सीरीज के बारे में शायद आप जानते होंगे। ये एक अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम है एंड काफी पॉपुलर भी है। इस पे एक गेम भी बना है जिसका नाम है द सिम्पसन्स हिट एंड रन। इसमें 3 मैप्स हैं जहाँ पर बहुत सारे मिशन करने होते हैं और हर मैप में एक डिफरेंट करेक्टर को कंट्रोल करना होता है। काफी फन एंड इंटरेस्टिंग गेम है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें आप कार्स भी चला सकते हो और फ्री रोम भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात कि आप इस गेम को पीसी और कंसोल दोनों पर खेल सकते हो। स्पंजबॉब एक ऐसा कार्टून है जो हर किसी ने एक बार देखा ही होगा और आपको ये काफी अच्छा भी लगा होगा। कार्टून काफी कॉमेडी था और स्पंजबॉब तो मेरा फेवरेट करेक्टर्स में से भी एक है। इस पर एक मोबाइल गेम भी है जिसका नाम है स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स बैटल फॉर बिकिनी बॉटम। गेम में हमें अलग अलग आइटम्स कलेक्ट करने के साथ साथ रोबोट्स को डिफीट करना होता है। इसमें हम अलग अलग करेक्टर्स ले सकते हैं और सबकी अपनी एबिलिटीज होती हैं। करेक्टर स्विच करने के लिए हमें बस चॉप ढूंढना होता है, लेकिन हम एक लेवल में 2 ही करेक्टर ले सकते हैं। गेम काफी इंटरेस्टिंग है, आपको इसको खेलने में काफी ज्यादा मजे आएंगे। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लूनी टून एक अमेरिकन एनिमेटेड कॉमेडी शॉर्ट फिल्म सीरीज है जिसमें हमें अलग अलग लूनी टून से करेक्टर्स के एडवेंचर दिखाए जाते हैं। ये काफी पॉपुलर कार्टून है और इसमें जो मेरा फेवरेट करेक्टर है वो है बग्स बनी। इस पर एक गेम भी है जिसका नाम लूनी टून वर्ल्ड ऑफ मेयम है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, लूनी टून यूनिवर्स में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, जैसे बग्स बनी, डैफी डक, सिल्वेस्टर, ट्विटी एंड और भी बहुत सारे। इतने हैं कि मैं इस वीडियो में सबके नाम भी नहीं बता पाऊंगा। इन करेक्टर्स में से हमें अपनी 3 की टीम बिल्ड करनी होती है, फिर अपोनेंट से फाइट करना होता है। हर करेक्टर की अपनी अलग पावर्स होती है। गेम काफी इंटरेस्टिंग है और आपको खेलने में काफी ज्यादा मजे आएंगे। सबसे अच्छी बात, आप इसे मोबाइल पर भी खेल सकते हो क्योंकि ये एंड्रॉइड और आईओएस पर अवेलेबल है। डकटेल्स रिमास्टर्ड एक प्लेटफॉर्म गेम है जो कि अपने 1998 वाले गेम का रिमास्टर्ड वर्जन है। इसको वे फॉरवर्ड टेक्नोलॉजीज ने डेवलप करा था। गेम को कंसोल और विंडोज के लिए 2013 में रिलीज किया गया था, जो कि बच्चों के लिए काफी अच्छा था, तो इसलिए बहुत जल्द पॉपुलर हुआ एंड इसके डेवलपर्स ने इसको एंड्रॉइड और iOS के लिए भी रिलीज कर दिया इन 2015। ये एक 2.5D गेम है जिसमें 2D हैंड ऑन करेक्टर्स, स्पिरिट्स और 3D मॉडल्ड लेवल्स हैं। गेम में हम स्क्रूज मैकडक से खेलते हैं। हमारा मिशन 5 ग्रेट ट्रेजर को ढूंढना होता है ताकि स्क्रूज मैकडक और भी ज्यादा अमीर बन सके। गेम काफी बढ़िया, आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप स्क्रूज मैकडक के फैन हो तो। बेन 10 एक ऐसी सीरीज है जो हर किसी को अपने बचपन में बहुत पसंद थी। हर कोई ओमनीट्रिक्स को लेकर ट्राई करना चाहता था। इसे बहुत सारे गेम्स बने हैं, लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन सबसे अच्छा है। ये बेन 10 सीरीज का 5th गेम है जिसमें हमें अर्थ का डिस्ट्रक्शन होने से बचाना होता है। गेम में हम अराउंड 16 एलियंस का यूज कर सकते हैं, जैसे अल्टीमेट बिग चिल, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, अल्टीमेट एको, अल्टीमेट स्वैम फायर, अल्टीमेट फोरआर्म और रैम। गेम 2010 में प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स के लिए आया था। अगर आप बेन 10 के पंखे हो यानी कि फैन हो तो आपको गेम पक्का खेलना चाहिए। बचपन में किस किसने पावर रेंजर्स देखा है और आपका फेवरेट पावर रेंजर कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन क्या आपको पता है पावर रेंजर के ऊपर बहुत गेम्स बने हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट पावर रेंजर्स बैटल फॉर ग्रेड है, क्योंकि इस गेम में हमें बहुत सारे पावर रेंजर्स मिलते हैं। गेम की स्टोरी काफी अच्छी है जो कि पावर रेंजर्स की कॉमिक शैटर्ड ग्रिड से ली गई है। स्टोरी मोड के साथ साथ रैंक्ड ऑनलाइन, आर्केड वर्सेस, कैजुअल ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल मोड्स भी हैं। ग्राफिक्स इसके डिसेंट है क्योंकि गेम 2019 में आया, जिसको आप पीसी और कंसोल्स पर खेल सकते हो। डोरेमोन तो एक ऐसा कार्टून है जो कि मैं आज तक देखता हूँ अगर कभी टाइम मिलता है तो। इसमें बहुत सारे गेम्स बने हैं, लेकिन सारे गेम्स जापान स्पेसिफिक हैं और अनऑफिशियल सोर्सेज में ही मिलते हैं। लेकिन जिस गेम की आज मैं बात करने वाला हूँ, आप उसे अपने पीसी या फिर PS4 में खेल सकते हो। डोरेमोन स्टोरी ऑफ सीजंस एक फार्मिंग सिमुलेशन RPG गेम है। ये पहला गेम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए बनाता है, नॉट ओनली फॉर जापान। इस गेम में हम नोबिता का रोल प्ले करते हैं और हमें फार्मिंग करनी होती है, कैटल और शीप की टेक केयर करनी होती है एंड काफी कुछ। जियान, शिजुका और सुनियो को सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो हमारी मदद करते हैं। गेम की स्टोरी कुछ ऐसी है कि नोबिता को एक मिस्टीरियस सीड मिलती है और अब वो उसे प्लांट करता है, तो सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे वर्ल्ड शिजन टाउन में ट्रांसफर हो जाते हैं और डोरेमोन के सारे गैजेट्स खो जाते हैं। वहाँ लंच नाम का बंदा उनकी हेल्प करता है और उनको एक फार्म दे देता है। आपको गेम एक बार पक्का ट्राई करना चाहिए और डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान को उनके वर्ल्ड में लौटने में मदद करनी चाहिए।
क्रेयॉन शिनचैन रनर एक जंपिंग गेम है जिसमें हम जंप करके वो चीजें कलेक्ट करते हैं जो शिनचैन को पसंद है। अगर आप उसकी मन पसंद चीजें कलेक्ट करते रहोगे तो उसका साइज बड़ा होगा, और जो उसको नहीं पसंद है उसको आपको डॉज करना होता है, नहीं तो आपका साइज छोटा हो जाएगा और आपको आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी डॉज करने में काफी दिक्कत आएगी। हमें अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। बच्चों को तो ये गेम काफी अच्छा लगेगा और जिसको शिनचैन पसंद है वो भी टाइम पास के लिए इसे खेल सकता है। छोटा भीम द हीरो एक एंड्रॉइड गेम है जिसे नजारा टेक्नोलॉजीज ने डेवलप करा है। ये एक 2D एक्शन स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है। गेम में हम छोटा भीम होते हैं और हमें ढोलकपुर को बचाना होता है। जैसे जैसे आप लेवल्स को क्लियर करोगे तो भीम को हेल्प करने के लिए और करेक्टर्स आएंगे, जैसे राजू, कालिया, चुटकी एंड और भी बहुत सारे। इस गेम में 50 लेवल से भी ज्यादा है। अगर आपको बचपन में छोटा भीम पसंद था तो ये गेम आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस ये थे वो 10 गेम जो कि कार्टून पर बेस्ड है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इनमें से कौन से गेम्स खेल रखे हैं और वो आपको कैसे लगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही साथ गेम को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।